नमस्कार, मैं शिवानी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन भारत की रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। 13 नवंबर 1966 को आज ही के दिन भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड बनने वाली वह पहली भारतीय और एशिया महिला थी। वह पहली ऐसी मिस वर्ल्ड रही जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। एक साल मॉडलिंग की ऊंचाइयों को छूने के बाद रीता ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाया। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को 1999 में यूनेस्को ने स्वीकृति दी थी। समाज के मुख्य संयोजक प्रकाश कुमार दत्ता ने बताया कि यह दिवस 21 फरवरी को विश्व भर में अपनी मातृभाषा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इस दिवस की औपचारिक स्वीकृति दी थी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद विश्व की बहुभाषा को बढ़ावा देना था। आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का जन्म 1900 में हुआ था। पद्मजा नायडू का जन्म 17 नवंबर 1900 में हुआ था। वह प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। इन्होंने अपने माता के समान ही अपना सारा जीवन भारत के हितों के लिए समर्पित कर दिया था। राष्ट्र सेवा और इसके साथ ही उनका मानवीय दृष्टिकोण हमेशा याद किया जाता है। पद्मजा नायडू को सन 1962 में भारत सरकार के सर्वोच्च दूसरे नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ था। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। पंजाब के शेर और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले लाला लाजपत राय आज के दिन 1928 में निधन हो गया था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठी चार्ज में वो बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर 1928 में उनका निधन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा। 17 नवंबर दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। विद्यार्थियों का अनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व सलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। वाणी व आचरण पर संयम रखें, अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। वाणी पर संयम रखें, अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामनी सलेटी।
सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।